हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 6th to 10th सभी क्लासेस में कंपलसरी होता है और इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इनके बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एंगल्स किस किस टाइप के होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस क्या होती है, बाइसेक्टर क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग क्या होती है, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है लाइंस एंड एंगल्स। इसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे। एंगल्स इन डेली लाइफ, हम डेली लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं क्या वो एंगल्स बनाते हैं, क्या उनमें लाइंस होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन, कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, एंगल्स, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। इन मैथ ज्योमेट्री द लाइंस एंड एंगल्स आर इम्पोर्टेंट टूल्स। इनको हम टूल्स की तरह यूज़ करते हैं। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इन आइडियल दैट इज कॉल्ड एज लाइन एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एट स्ट्रेट कर्व। जो स्ट्रेट कर्व होता है, स्ट्रेट जब हम कोई रेखा खींचते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइन। ठीक है, तो जब बात आती है लाइन की तो लाइन क्या होती है, हमेशा स्ट्रेट होती है। द एंगल इज रिलेटेड विथ लाइन दैट इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ टू लाइन्स इज क्रिएट द एंगल। और जब दो लाइनें मिलती हैं वो जिस पॉइंट पर मिल रही है वहाँ पे क्या बनता है, एंगल मिलता है। ठीक है, तो इनका जब लाइन्स का क्रॉस सेक्शन होता है तब एंगल क्रिएट होता है एंड दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जिस पर ये दोनों लाइन मिलती है उस पॉइंट को नाम देते हैं वर्टेक्स। हियर वी सी अबाउट टाइप्स ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स इन मैथ। एंगल्स इन डेली लाइफ, जैसे आपने फिश देखी होगी, फिश जो है उसके माउथ से, उसके मुंह से जो एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं, एंगल्स का ही टाइप होती है, चाहे वो एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, बोर्ड है, सीजर है, एरोप्लेन है, ये सब आपस में क्या बनाते हैं, ये एंगल्स बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। फर्स्ट टॉपिक है लाइन। लाइन क्या होती है, अ स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शन विथ नो एंड पॉइंट। आप किसी भी लाइन को जब आप पढ़ते हो कि लाइन टर्म जहाँ पे आती है तो लाइन टर्म का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, जो दोनों साइड से एक्सटेंड होता रहता है, चलता रहता है कंटिन्यू, और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, तो उसको हम नाम देते हैं लाइन। अब बात आती है लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट के दोनों साइड एंड पॉइंट होते हैं, मतलब इनकी कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे आपको बोला जाता है कि 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचो या 5 मीटर की लाइन खींचो, तो वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगी, क्योंकि उनकी लिमिटेशन होती है, इसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं, जबकि लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। अब बात आती है रे की। तो रे के एक साइड एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड से, जो उसकी अपोजिट साइड है, वो एक्सटेंड होती रहती है, मतलब कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चलती रहती है। तो ये तीनों में डिफरेंस हो गया कॉमन सा। अब बात करते हैं पॉइंट्स की। तो पॉइंट क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये क्या इनकी एग्जैक्ट लोकेशन है। जब दो पॉइंट आपस में मिलते हैं, जब दो पॉइंट को मिलाया जाता है, तब क्या बनती है, लाइन बनती है। लेकिन जब सिंगल सिंगल पॉइंट ऐसे यहाँ पे जो शो कर रखे हैं वो क्या है, सिंगल पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन से। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब यहाँ से समझना, इंटरसेक्टिंग का मतलब है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो। ठीक है, और नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हो। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स लाइंस दैट क्रॉस, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो। नॉन इंटरसेक्टिंग मीन्स लाइंस दैट नेवर क्रॉस एंड आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। और क्या होगा, ऐसी लाइन जो हमेशा कुछ डिस्टेंस पर चलती है और जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो नॉन इंटरसेक्टिंग क्या बताया, कि जो एक दूसरे को क्रॉस ना करे। तो इसके एग्जाम्पल्स है हार्डवुड फ्लोर, अपोजिट साइड्स ऑफ विंडोज, डेस्क एटसेट्रा। जैसे आपने विंडो देखी होगी, डेस्क देखी होगी, उसके क्या होते हैं, चार साइड होती हैं, वो चारों साइड एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती है। पार्किंग स्लॉट्स इन पार्किंग लॉट, पैरेलल पार्किंग, जब पैरेलल पार्किंग होती है तो वो भी क्या होता है, एक दूसरे पे कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट टू फॉर्म फोर राइट एंगल्स। जब दो लाइन इस तरह से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है कि चार राइट एंगल बन जाए, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, लाइन कितनी है हमारे पास, दो लाइन है। ये दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि चारों तरफ क्या हो, राइट एंगल बन जाए। राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो परपेंडिकुलर लाइन का मतलब है जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे राइट एंगल बनते हैं। तो ऐसी लाइनों को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन्स। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। जैसे आपने देखा होगा जो विंडो पैंस हैं या स्ट्रीट्स हैं, सड़कें जो हैं, वो क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में जाती है, ठीक है। अब वो क्या करेगी, जैसे कोई ऐसे रोड भी होती हैं जहाँ पे क्रॉस करना होता है, तो यहाँ पे जो रेड लाइन से दिखा रखा है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। ये परपेंडिकुलर लाइंस हम किसको बोल रहे हैं, जो अपने चारों तरफ क्या बना ले, चार राइट एंगल बना ले। तो ऐसी लाइंस को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल्स। अब एंगल्स क्या होते हैं, हमने देखा कि जो जब दो लाइंस एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं तो वो क्या बनाती है, वहाँ पे एंगल बनाती है। इन ज्योमेट्री एन एंगल इज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स। जब दो रेज क्या बताई थी मैंने, कि जिसका एक एंड पॉइंट हो और दूसरी तरफ से वो कंटिन्यू चलती रहे। तो जब दो रे आपस में मिलकर एक कॉमन एंड पॉइंट पर मिलती है या शेयर करती है तो उस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, और इसी पर क्या बनता है, एंगल बनता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। एंगल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क स्वेप्ट आउट व्हेन वन रे इज रोटेटेड अबाउट द वर्टेक्स टू कोइंसाइड विद द अदर। अब आपको देखना है कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये कुछ टाइप्स हैं एंगल्स के, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल से आपको समझना है कि ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स। द मेजर ऑफ एन एंगल विथ अ मेजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री और विथ लेस देन 90 डिग्री रेडियंस। ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, तो उनको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। जैसे 18 डिग्री है, 88 डिग्री है, ठीक है, 89 डिग्री है, 90 से तो कम ही है, तो 90 से जो एंगल कम होंगे उनको बोलेंगे एक्यूट एंगल्स। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ एक्यूट एंगल्स। तो क्या एग्जांपल होंगे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि एक सीढ़ी है वो दीवार के सारे लगाई हुई है, तो वहाँ पे क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। आप पिज़्ज़ा खाते हो, पिज़्ज़े की जो स्लाइस होती है वो भी क्या बनाती है, एक्यूट एंगल बनाती है। स्ट्रेट है, ठीक है, वो भी क्या बना रही है, यहाँ पे एक्यूट एंगल बना रही है। कोई जैसे गैलरी है या फिर कोई भी अलमीरा टाइप से कुछ है जो साइड से थोड़ी सी झुकी हुई है, तो वो क्या बनाएगी, वहाँ पे एक्यूट एंगल बनाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, एंगल का ऐसा मान या एंगल की ऐसी वैल्यू जो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो,
तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। और राइट एंगल कैसे बनता है, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। एन एंगल फॉर्म्ड बाय द परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल या समकोण। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिनमें रेड कलर से शो कर रखा है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पर राइट एंगल बन रहे हैं। जैसे डेस्क है, डेस्क पर क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। कोई फ्रेम है तो फ्रेम क्या बना रही है, राइट एंगल बना रही है। कोई बॉक्स है, बॉक्स भी क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स लिए हमने ताकि आपको आसानी हो समझने में। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। ये याद रखना, जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज। ठीक है, जैसे 135 डिग्री है, 110 डिग्री है, 157 डिग्री है, ये क्या है, 90 से तो ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। यहाँ पे देखो, जैसे वॉच दे रखी है उसमें 3 बजने ही वाले हैं लेकिन पहले क्या है, इससे थोड़ा सा पहले है, ठीक है, 2-4 मिनट कम है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा बनते ही क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रेट एंगल। तो आप स्ट्रेट एंगल किसको बोलोगे, जो स्ट्रेट लाइन के द्वारा बनाया जाए, ठीक है, और जब आप उसको मेजर करोगे तो वो एग्जैक्ट 180 डिग्री का आएगा। A straight angle changes the direction to point the opposite way. It looks like a straight line. ये क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है और इसका जब आप मेजर करते हो इसको तो इसका मान 180 डिग्री आता है, ठीक है। या फिर जब आप दो राइट एंगल को मिलाते हो तो वो क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, क्योंकि राइट एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जब दो राइट एंगल को आप मिलाओगे तो वहां पर कौन सा एंगल बनेगा, स्ट्रेट एंगल, जिसका मान होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रेट एंगल। जैसे आपकी जो स्केल होती है, ठीक है, वो क्या है, एक राइट एंगल बनाती है। जैसे ट्रेन की पटरियां हैं वो भी क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्ट्रेट एंगल्स के। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। इस टॉपिक को अच्छे से समझना ताकि आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल हम उस एंगल को बोलते हैं जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो। तो यहाँ देखो, ऑल ऑफ दीज रिफ्लेक्स एंगल्स हैव मेजर्स बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। जैसे दे रखा है 197 डिग्री, 230 डिग्री, तो ये क्या है, 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है। तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। इनके एग्जाम्पल्स देखो इस तरह से आ जाएंगे। ये क्या है एग्जाम्पल, ये रिफ्लेक्स एंगल के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जब दो एंगल बनते हैं और वो दोनों एंगल क्या हो, एक कॉमन रे को शेयर कर रहे हो, तो वहां पर एडजेसेंट एंगल होता है। जैसे आपको एंगल दे रखा है ए बी सी एंड सी बी डी, ये दोनों अलग अलग एंगल हो गए, लेकिन जब ये एक ही रे को शेयर कर रहे हैं, कौन सी, बी और सी रे जो है उसको शेयर कर रहे हैं, तो ये एंगल कौन सा है, ए बी डी। अब आप उसको एक तरह से देखोगे तो ये क्या होगा, बन तो दो एंगल रहे हैं, एक 26 डिग्री का बन रहा है और एक 33 डिग्री का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक कॉमन रे को शेयर कर रहे हैं। तो जब दो एंगल एक कॉमन रे को शेयर करते हैं तो वो एंगल कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। जैसे आपकी बुक है, ठीक है, बुक के जो पेज हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपने मिड वाला पेज पकड़ा तो जो पहले वाला पेज है और जो बाद में वाला पेज है वो दोनों का कॉमन कौन सा है, जो आपने पेज पकड़ रखा है। तो एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों एक कॉमन रे को
शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, एडजेसेंट एंगल बन जाएगा। ऐसे ही वॉच में होता है, जो मिनट वाली सुई है और जो आवर वाली सुई है वो दोनों एक सेकंड वाली सुई को शेयर करती है। कॉमन हो गया ना इनमें सेकंड वाली सुई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर का मतलब क्या है, जब एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो उस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बने उन सब का सम 180 डिग्री होता है। जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन ली और उस पर हमने कोई एंगल ए और बी बनाया, तो एंगल ए और बी इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होने चाहिए, 180 डिग्री के। अगर ऐसा होता है तो वो क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसलिए लीनियर पेयर को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है, और ऐसा ही लीनियर पेयर में होता है। एक स्ट्रेट लाइन पर चाहे तीन एंगल बन रहे हो चाहे चार एंगल बन रहे हो, उन सभी का सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर पेयर, ये कुछ एग्जाम्पल है लीनियर पेयर के। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ऐसे एंगल जो अपोजिट साइड में हो तो उनको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे यहाँ पर दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक साइड तो बन रहा है एंगल ए और इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या बन रहा है, एंगल बी। तो ए और बी ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, इनको आप बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन ज्योमेट्री अ पेयर ऑफ एंगल इज सेड टू बी वर्टिकली ऑल्सो अपोजिट एंड वर्टिकली अपोजिट विच इज एब्रिवेटेड एज वर्टेक्स अपोजिट एंगल। इफ द एंगल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड द एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट दे ऑल शेयर अ वर्टेक्स, सच एंगल्स आर इक्वल इन मेजर एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इस टाइप के एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब आप दो पेन को एक दूसरे के क्रॉस में लेते हो, मतलब क्रॉस करवाते हो, तो क्या होगा, ये अपोजिट एंगल्स बनाएंगे। जैसे सीजर है तो सीजर का जो जैसे उसकी जो स्टील वाली आती है वो और जो उसका हैंड होता है पकड़ने वाला, वो दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, अपोजिट एंगल बना रहे हैं। जैसे ही फैन है, फैन में भी क्या बनता है, चारों साइड क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है, ऐसी लाइन जो एक या एक से ज़्यादा लाइन को क्रॉस कर जाए, ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट करे। जैसे यहाँ पे टी लाइन है, ठीक है, वो एल और एम दोनों लाइन को क्रॉस करती हुई या इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो इस टाइप की जो लाइन होती है उनको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अ ट्रांसवर्सल और अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर कोप्लेनर लाइन्स ईच एट अ डिफरेंट पॉइंट्स इज अ वेरी यूजफुल लाइन इन ज्योमेट्री। ट्रांसवर्सल टेल अस अ ग्रेट डील्स अबाउट एंगल। और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन्स हैं वो हमें अलग अलग टाइप के एंगल्स के बारे में भी बताती हैं। अब है पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स कौन सी होंगी, एल और एम वाली, ठीक है, ये क्या होगी, ये एक सेम डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ होगी। पैरेलल लाइन्स रिमेन्स द सेम डिस्टेंस अपार्ट ओवर देयर इंटायर लेंथ, नो मैटर हाउ फार यू एक्सटेंड देम दे विल नेवर मीट। और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, जो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिस पॉइंट पर वो आगे जाके मिलेगी। ये हमेशा, जैसे आप इनके बीच में 2 सेंटीमीटर की जगह रख रहे हो, तो ये हमेशा इनमें 2 सेंटीमीटर की जगह ही रहेगी, चाहे आप उसको कितना ही एक्सटेंड कर दो। तो ये कुछ बातें हैं ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के बारे में जो आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस, जो हमने बात की अभी कि पैरेलल लाइंस क्या होती है।
The parallel lines are the lines that remain the same distance apart over their entire length. No matter how far we extend them, they will never meet. पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. इसका मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिस पर वो कभी आगे जाके मिलेगी. तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, याद रखना. नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? द एंगल्स दैट ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजिशन एट ईच इंटरसेक्शन वेयर अ स्ट्रेट लाइन क्रॉसेज टू अदर्स. If the two lines are parallel, the corresponding angles are equal. जैसे दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है और उस पर एक लाइन जा रही है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे दे रखा है वन, वन और फाइव, ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, मतलब पोजिशन सेम रहेगी. जैसे M लाइन है, उसको इंटरसेक्ट कौन कर रहा है? T लाइन. तो M के लेफ्ट साइड में क्या बन रहा है? वन, एंगल वन हमने इसको डिनोट किया. वैसे ही एन लाइन से जब ये टी लाइन जाएगी तो इसका जो फर्स्ट एंगल है, मतलब एंगल फाइव, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल वन के. अगर एंगल वन की वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल फाइव की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 30 डिग्री हो जाएगी. तो यहाँ से यही समझना है आपको कि जब दो लाइनों को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती हुई जाती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. जैसे एंगल वन और फाइव, एंगल थ्री और एंगल सेवन, एंगल टू और सिक्स, एंगल फोर और एट, ये आपस में क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. अब है कि यहाँ पे अच्छे से देख लो आप, एंगल वन जो है वो एंगल फाइव के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल थ्री जो है वो एंगल सेवन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है. अगर ऊपर वाला एंगल ले रहे हो तो नीचे वाली जो लाइन है उसमें भी आप ऊपर वाला एंगल ही लोगे. नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब आपको समझना है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं. व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, द टू पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द पैरेलल लाइंस एंड द एंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट. जब दो पैरेलल लाइंस जा रही है और एक लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके अंदर जो एंगल्स बनते हैं जो अपोजिट साइड में है, जैसे एंगल फाइव और एंगल सिक्स, ठीक है, ये क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे. वैसे ही एंगल एट और एंगल सेवन, ये क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे. अगर ये इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर बन रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल. और अगर ये ही बाहर के साइड बन रहे हैं, जैसे एंगल वन, ठीक है, तो क्या होगा? ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स किस तरह से होंगे? जैसे एंगल ए एंड एच, ठीक है, ये क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल होंगे. व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, जब कोई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, द टू पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड आउटसाइड द पैरेलल लाइंस, तो क्या होंगे? जो पैरेलल के आउटसाइड वाले हैं, जो पैरेलल के आउटसाइड वाले एंगल्स हैं, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे. अब यहाँ पे देखो, एंगल टू एंड एंगल एट आर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल. तो एंगल टू और एट क्या होगा? अल्टरनेट होगा, लेकिन कौन से टाइप का? एक्सटीरियर एंगल होगा. वैसे ही एंगल वन और सेवन भी क्या होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा. अगर बात हो एंगल फोर और सिक्स की, तो ये इंटीरियर एंगल्स होंगे. और फाइव और थ्री भी क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा. तो यहाँ से आपको डिफरेंस समझना है हर एंगल में, कि हर एंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. उसी के बेसिस पर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. जब सेम साइड पर इंटीरियर एंगल्स आते हैं तो उनका सम या उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर आल्सो रिफर्ड टू एज कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और अलाइड एंगल्स. तो इस टाइप के एंगल्स को क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स फर्दर मैनी अ टाइम्स वी सिंपली यूज द वर्ड्स अल्टरनेट एंगल्स फॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. जैसे यहाँ पर एंगल
डी और एफ हैं वो क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे सेम साइड पर, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, या फिर हम इनको नाम देंगे कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे यहाँ पे एंगल अल्फा और एंगल बीटा है, ठीक है, ये किस पे बन रहे हैं, कोई दो पैरेलल लाइंस है L1 और L2, इन पर एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है और दोनों सेम साइड में क्या बन रहे हैं, अल्फा और बीटा एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ये हो गए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये आपको याद रखनी है। अगर इस टाइप का कोई एंगल होता है तो उन दोनों का सम क्या आएगा, हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।